दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, देख पा रहे हैं लिखा गया है लेखपाल रिजल्ट जारी को लेकर बड़ी अपडेट। बिल्कुल अगर देखा जाए जो 8085 पदों का भर्ती परीक्षा का मामला है, आप रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लगातार आपके समक्ष एक एक अपडेट निकल कर आ रही है रिजल्ट को लेकर। आप सर्च अभियान में लगे हुए हैं कि भैया आखिरकार रिजल्ट हमारा कब तक जारी होगा। इस वीडियो में आज एकदम फैक्ट हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है वह कब तक जारी हो सकता है। ऑफिशियल नोटिस आपके समक्ष देख पा रहे हैं, ठीक है, लिखा जा रहा है उसके नीचे यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का आदेश। बिल्कुल अगर देखा जाए रिजल्ट को लेकर यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का एक बड़ा बयान जारी हुआ है, और देख रहे हैं आपका जो कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था भैया रिजल्ट का तो मान लीजिए आ ही रहा था। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है कि डीवी को लेकर बड़ी अपडेट। बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट तो मान लीजिए आएगा, उस रिजल्ट के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। नीचे देख पा रहे हैं 15,000 फ्रॉड अभ्यर्थी होंगे ब्लैकलिस्टेड आयोग। बिल्कुल आयोग की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जो लगातार 15,000 फ्रॉड अभ्यर्थी हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं डीवी व सिलेक्शन वाले कट ऑफ पर आप लगातार सर्च में लगे हुए हैं, आखिरकार लेखपाल भर्ती की परीक्षा जो हुई है उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और सिलेक्शन वाले कट ऑफ क्या हो सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको इस अपडेट को दिखाने का प्रयास करते हैं जो अपडेट आपके समक्ष लगी है। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि लेखपाल भर्ती के नतीजे दिसंबर से जनवरी तक। बिल्कुल हमने आपको एक अपडेट में यह बताया था कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक जारी हो सकता है, जो कि आप देख पा रहे हैं हमने आपसे स्पष्ट तौर पर बात किया था कि आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है वो दिसंबर के सेकंड वीक और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है, जो कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं आयोग ने लंबित परिणामों पर तेजी से काम चल रहा है, जो है अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा भर्ती का परिणाम प्राथमिकता से जारी किया जाएगा, शेष परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। अवनी सक्सेना सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहां आप देख पा रहे हैं। यानी अब इस अपडेट से आपको क्या लग रहा है, इसमें आपसे तो कहा जा रहा है आपका जो लेखपाल भर्ती का रिजल्ट है वो दिसंबर से जनवरी तक जारी किया जाएगा। बिल्कुल यह चीजें सत्य है, हमने आपको स्पष्ट तरीके से बताया था कि आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है वो दिसंबर से जनवरी तक जो है वो जारी किया जा सकता है, और यही चीजें आज आप देख पा रहे हैं आयोग की तरफ से भी निकल कर आई है। अब अगर आपके समक्ष आ रहा है कि आखिरकार अगर हमारा दिसंबर से जनवरी तक जो है रिजल्ट जारी किया जाता है, जैसे एक अधिकतर जो संभावनाएं बताई जा रही हैं वो दिसंबर लास्ट दिसंबर सेकंड वीक तक आपकी रिजल्ट जो है वो जारी करने की बात कही जा रही है। अगर दिसंबर सेकंड वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, ठीक है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जहां तक सवाल है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भैया जनवरी सेकंड वीक तक जाते जाते आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह भर्ती जो है यह उम्मीद जताई जा रही 99% के साथ जो है कि 31 मार्च तक यह भर्ती लगभग फाइनल कर दी जाएगी, ठीक है। इसके सापेक्ष अगर देखा जाए अगर 31 मार्च तक यह भर्ती फाइनल करते हैं तो उसके पहले सारे प्रोसेस को इन्हें समाप्त करना पड़ेगा। यहां आपका एक सबसे ज्यादा डीवी व सिलेक्शन वाले कट ऑफ पर वीडियो आप चाह रहे हैं, देखिए हम आपसे बताना चाहें तो हम अलग से वीडियो इस पर नहीं लेंगे, हमने डीवी और सिलेक्शन वाले कट ऑफ पर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा किया है, जो कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके वीडियो के लिस्ट में जो है पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर डीवी व सिलेक्शन वाले कट ऑफ को आप विस्तृत वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और यहां नीचे हम बात करते हैं जो 15,000 फ्रॉड अभ्यर्थी हैं, देखिए इनके अगर इनको हम बात करें तो आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जो टॉप 15,000 अभ्यर्थी होंगे उनके साथ कहीं ना कहीं एक कड़ी पूछताछ इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो भी होता है जैसा भी होता है नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे चर्चा किया जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।